गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां रमेश अपनी माँ के साथ रहता था। रमेश गरीब था लेकिन उसका सपना था कि वह एक दिन शहर जाकर पढ़ाई करेगा और एक बड़ा आदमी बनेगा। उसका मन पढ़ाई में तो था पर घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। खेतों में काम करने के बाद ही वह अपनी पढ़ाई कर पाता था। एक दिन गांव में एक वृद्ध ज्ञानी व्यक्ति आए जिनका नाम साधु महाराज था। वे गांव वालों को जीवन के गहरे रहस्यों के बारे में सिखाने लगे। गांव के सभी लोग उन्हें बड़े ध्यान से सुनते थे। रमेश भी उनके पास जाकर अपने जीवन के बारे में सलाह लेना चाहता था। एक दिन साहस जुटाकर वह साधु महाराज के पास गया और बोला, महाराज मैं बहुत मेहनत करता हूँ पर हर बार असफल हो जाता हूँ। मेरे सारे सपने जैसे टूटते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत कभी फल नहीं देगी, मैं क्या करूं? साधु महाराज ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा क्या तुम जानते हो पर्वतारोहण में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण कदम कौन सा होता है? रमेश ने थोड़ा सोचकर कहा, महाराज शायद सबसे पहला कदम। साधु महाराज ने हंसकर कहा, नहीं सबसे आखिरी कदम, क्योंकि आखिरी कदम ही वह होता है जो तुम्हें शिखर पर पहुंचाता है। लोग अक्सर मंजिल के करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं जबकि उन्हें बस एक आखिरी प्रयास करना होता है। रमेश को साधु महाराज की यह बात समझ में तो नहीं आई लेकिन उसने उन्हें प्रणाम किया और घर लौट आया। दिन बीतते गए और रमेश ने साधु महाराज की बातों पर गहराई से विचार करना शुरू कर दिया। वह अपने खेतों में काम करता रहा, पढ़ाई भी करता रहा लेकिन हर बार असफलताओं का सामना करता रहा। फिर भी वह साधु महाराज की बात को याद करता और एक आखिरी कदम और बढ़ाने की कोशिश करता। एक दिन रमेश ने सुना कि शहर में एक बड़ी परीक्षा हो रही है जिसमें पास होने वाले को छात्रवृत्ति मिल सकती है। रमेश के पास इतना पैसा नहीं था कि वह शहर जाकर परीक्षा दे सके लेकिन उसकी माँ ने अपने गहने बेचकर उसे जाने के लिए पैसे दिए। रमेश ने परीक्षा दी पर परिणाम उसकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं आया। वह निराश होकर गांव लौट आया और सोचा कि शायद उसका सपना वहीं खत्म हो चुका है। कुछ दिनों बाद उसे एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि वह छात्रवृत्ति के लिए अंतिम उम्मीदवारों में चुना गया है लेकिन उसे एक आखिरी इंटरव्यू देना होगा। रमेश ने हार मानने की बजाय फिर से साधु महाराज की बात को याद किया, सबसे आखिरी कदम ही महत्वपूर्ण होता है। उसने पूरी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दिया। कुछ दिन बाद रमेश को एक शहर से पत्र मिला जिसमें लिखा था कि उसे छात्रवृत्ति मिल गई है, अब उसका सपना पूरा होने वाला था। उसने खुशी में अपनी माँ को गले लगाया और साधु महाराज को धन्यवाद देने के लिए उनके पास गया। साधु महाराज ने उसे देखकर मुस्कुराए और कहा, बेटा तुमने देख लिया ना कि आखिरी कदम ही तुम्हें सफलता दिलाता है। अगर तुम उस आखिरी कदम पर रुक जाते तो आज तुम यहाँ नहीं होते। याद रखना, जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य और निरंतरता सबसे बड़ी कुंजी है। रमेश ने साधु महाराज के चरणों में प्रणाम किया और अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा। हार तभी होती है जब हम आखिरी कदम उठाने से मना कर देते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, आखिरी प्रयास और धैर्य ही सफलता की कुंजी होते हैं। यदि हम हार मान ले तो हम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अगर आज की कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला है तो यह कहानी अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसी ही और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल, धन्यवाद।